लॉड टोल मई दी इज गोइंट अम एंट यम परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि वो आपके घर में आएगा हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट जीजस टू कम खोर होम आप में से कितने लोग चाहते हैं कि यीशु आपके घर में आ जाए क्या आप सब लोग कहेंगे यीशु कम होम मेरे घर आ जाऊ कम होम आइए सब मिलकर चिल्लाए मेरे घर आ जा In Luke chapter 19 and verse 5, Luke, 19, 5, Jesus looked at a man called Zacchaeus who was hiding in the tree. And he said, Zacchaeus, I want to come and stay in your home. Come down quickly. जल्दी से नीचे हम डाउन क्विकली जल्दी से नीचे हम डाउन क्विकली जल्दी सेम टूर होम मैं तेरे घर आना चाहता हूं हूँ ट्रांसलेशन इट सेज सेज एनआईवी आई वांट टू स्टे इन योर हाउस एक और अनुवाद एनआईवी कहता है कि मैं तेरे घर में रहना चाहता हूं ही इज सेइंग द सेम थिंग टू यू आज वो आपसे बिल्कुल ऐसे ही कहता है माई सन मेरे बेटे माई डॉटर मेरी बेटी आई वॉन्ट एंड स्टे इन योर होम मैं आकर तुम्हारे घर में रहना चाहता हूँ बी ये कितना अद्भुत होगा इफ जीसस कम्स होम विद यू यदि यीशु आपके घर में आपके पास आता yes, है हाउ टू गेट हिम होम तो उसे कैसे घर में लेकर आए हाउ टू गेट जीसस इनटू योर होम कैसे यीशु को आप अपने घर में लेकर आए इफ यू रीड रेवलेशन 3 एंड वर्स 20 अगर आप प्रकाशित वाक्य अध्याय तीन वचन बीस पर बाइबल से बाइबल कहती है जीसस इज नॉकिंग एट द डोर ऑफ योर हार्ट यीशु आपके दिल के द्वार पर खड़ा खटखटाता -خट है। ओपन योर हार्ट और वो कहता है खोल खोल खोलोगे तो मैं भीतर आऊंगा योर हार्ट एंड से आप अपना दिल खोल कर कहेंगे यीशु, मेरे दिल में आ इन कमेंट नाइट वो बड़ी खुशी से आज आपके दिल में आ अ प्रेसिडेंट इन अंट्री कॉल्ड एब्राहम लिंकन देखिए एक देश में एक प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था अब्राहम लिंग लोग उनसे बहुत प्यार करती थी और एक दिन जब वो एक शहर में रोड पूरा शहर मानो सड़क पर आ गया oh, the drums were और ड्रम्स बज रही थी और लोग झंडे लहरा रहे थे। हजारों लोग थे and the और प्रेसिडेंट उनके बीच में चल रही थी और फिर अचानक एक छोटी लड़की जो कि अपने पिताजी के कंधे पर बैठकर ये सब कुछ देख रही थी प्लीज कम टू माई होम और उसने चिल्लाया मिस्टर प्रेसिडेंट कृपया कर आप हमारे घर में आइए प्रेसिडेंट कम टू अ स्मॉल गर्ल्स होम क्या कोई प्रेसिडेंट किसी छोटे से बच्ची के घर में आ जाएगा दिस प्रेसिडेंट हर्ड इट लेकिन इस प्रेसिडेंट ने इसे सुना her, उसने उसे देखा और और उसने कहा बेटी। मैं जरूर crowd, और वो भीड़ में होते हुए और उसके घर में चले और अपनी गोदी में उसे बैठा दी पिक्चर वेंट अराउंड नेशन और ये चित्र जो है ये पूरी दुनिया में फैलता चला गया लिटिल गर्ल एलिस कॉल द प्रेसिडेंट होम एंड ही वेंट टू हर होम और लिखा था छोटी बच्ची एलिस ने प्रेसिडेंट को अपने घर में बुलाया और वो उनके घर में चले गए the लेकिन फिर ये समय आया प्रेसिडेंट से गुड बाई डालें प्रेसिडेंट ने कहा ठीक है बेटी मैं जाता हूं आई कैन बी विद यू फॉर मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता गोइंग जा रहा हूं अवे और वो चले गए टूडे लेकिन जीसस विल कम इन टू योर होम यीशु आपके घर में आएगा गॉड विल कम इन टू योर होम परमेश्वर आपके घर में आएगा बट ही विल नेवर गो अवे लेकिन वो फिर कभी नहीं When जाएगा जीसस कम्स इन टू योर होम जब यीशु आपके घर में आता he है ही विल स्टे विद यू फॉरएवर वो हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा कम ऑन गिव द लॉर्ड अ बिग हैंड क्लैप आइए प्रभु के लिए जोर से ताली बजाएं प्रेज द लॉर्ड प्रभु की स्तुति प्रेसिडेंस में कम प्रेसिडेंस में गो President, President But Jesus lives forever. He is the King of Kings forever. He is the Lord of Lords forever. you. He loves you. He loves you. He, loves you. He, loves you. He, he says, I am coming home, darling.

आपको उसे पुकारना यू मस्ट कॉल जीसस आपको यीशु को पुकारना माउथ वन मोर टाइम क्या आप फिर से एक बार अपने मुंह को खोल से कहेंगे यीशु कम हो मेरे घर आ। आम इंड माय हार्ट मेरे दिल में आ जा यीशु कोई यी बड़ी इमारतों में नहीं रहता है लिव्स इन योर हार्ट वो आपके दिलों में रहता है he lives in your heart. वो आपके दिल में रहता है your heart is his home. आपका दिल ही उसका घर है। एंड थ्रू यू इन योर होम और आपके द्वारा वो आपके घर में रहेगा थ्रू यू लिव इन योर फैमिली आपके द्वारा वो आपके परिवार में रहेगा वेन जीजस इन योर होम जब यीशु आपके घर में आ जाता है तो निश्चय आपको और आपके परिवार के साथ में कुछ न कुछ तो होता है जिस घर में यीशु जाता है, वो घर पवित्र घर बन जाता है उस घर के हर एक व्यक्ति के पापों को वो माफ कर देता है become a forgiven home. वो तो क्षमा किया गया घर होता है इफ यू रीड लूक चैप्टर 7 एंड वर्स 36 टू 50 यदि आप लू का अध्याय सात वचन छत्तीस से वचन पचास नाम के व्यक्ति के घर में वहां पर था तो एक पापिन स्त्री वहां पर उस घर में आई वो तो एक पापी थी एंड एवरी बड़ी और सभी ने उसे देखा और उन्होंने कहा देखो ये तो पापिन है दिस लेडी वेन स्ट्रेट एंड स्टूड बिहाइंड the feet of Jesus. और ये जो स्त्री थी सीधा जाकर यीशु के पैरों के वहां पीछे खड़ी रहती All the more people were angry. और इसके कारण लोग तो बहुत ही गुस्से में आ गए। How can this sinful woman go and stand near the Holy One? और वो ये कहने लगे कि ये एक पापिन स्त्री कैसे जाकर उस पवित्र के पास में खड़ी रह सकती है। But as she stood at the feet of Jesus. लेकिन जैसे वो यीशु के पैरों के पास में खड़ी रहे और उसने अपने सारे बुरे कामों के लिए वहां पर पश्चाताप किया। और उसके आंसू ने यीशु मसीह के पैरों को धो दिया यस वेन वी कम जब हम उसके पास द फीट ऑफ इन होम वी रिपेंट ऑफ अपने घर में जब हम यीशु मसीह के चरणों के पास में आते हैं तो हम अपने पापों से पश्चाताप करती हैं। When Jesus comes, we say, I'm sorry, Lord, I have committed sin. जब यीशु आता है तो हम कहते हैं प्रभु मुझे माफ करके मैंने पाप किया है Even tonight, और आज रात as Jesus comes into your heart, जैसे यीशु आपके दिल में आता है will you open your heart and say, I'm repenting of my sins, Lord. क्या आप अपने दिलों को खोल कर ये कहेंगे कि प्रभु मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूं। I मैं शराबी व्यक्ति हूं। I am, I am my Wife or husband properly. मैं अपने पति या अपनी पत्नी से सही व्यवहार नहीं, नहीं। I am not और मैं सही ईमानदारी से काम नहीं I am not giving, in peace with मैं दूसरों के साथ शांति में नहीं रहता मनी एंड प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स रॉन्गली मैंने दूसरों से गलत तरीके से संपत्ति और धन Forgive लिया। लोहा मुझे me, Lord. मुझे She began to and cry for her sins. वो अपने पापों के लिए पश्चाताप करने लगी रोने लग गई The Bible says in Proverbs 28 and verse 13 The one who conceals his sin or her sin will not prosper. But whoever confesses his sin or her sins to God, he or she will find mercy before God. और जो कोई भी अपने पापों का परमेश्वर के सामने अंगीकार करता है तो निश्चय वो परमेश्वर की दया को प्राप्त करता है नॉट ओनली द देंस केवल पापों का अंगीकार ही नहीं बट लीविंग एवरी विकेट वे लेकिन हर एक दुष्टता के मार्ग को छोड़ देना लीविंग द ड्रिंकिंग और शराब की आदतों को छोड़ देना लीविंग द रॉन्ग हैबिट्स गलत आदतों को छोड़ देना है लीविंग द रॉन्ग थॉट गलत विचारों को छोड़ देना लीविंग द रॉन्ग वर्ड गलत शब्दों को छोड़ देना लीविंग द रॉन्ग रिलेशनशिप गलत संबंधों को छोड़ देना लीविंग सिस्टम ऑफ टेकिंग प्राइब्स और ये जो घूस लेने का जो तरीका उसे छोड़ना ऑल द रॉन्ग थिंग्स सारे गलत कामों को छोड़ देना unrighteousness, है, अधर्म के कामों and को, crying to Jesus, और यीशु को पुकारना saying, है forgive me, कहना है मुझे क्षमा कर हेल्प मी टू लीव लॉर्ड मुझे मदद कर प्रभु की मैं उन्हें छोड़ दूं वो रो रही थी एंड सेकेंडली और फिर दूसरी बात शी व्हाइट हिस्सिट विथ हर हेयर उसने अपने बालों से उसके पैर को पूछा

यीशु को प्रसन्न करने वाला जीवन आप जीते चले जाए एक सुगंधित हवन के समान एक खुशबू के समान आप उसके लिए जीते जाएंगी उसने अपना सारा पैसा खर्च किया और उसने यीशु के सामने उसे भेंट चढ़ा दिया वी ऑफर आवर लाइव होली बिफोर गॉड लिविंग राइटियसलीब इन आवर फैमिली इन आर हार्ट हम अपने जीवन को परमेश्वर के सामने पवित्र रूप में चढ़ाते हैं अपने दिल में अपने परिवार में अपनी नौकरी की जगह पर हम पवित्र जीवन जीते चले जाते हैं और साथ साथ में हम बहुत ही कीमती ऐसी भेंटें प्रभु यीशु मसीह को देते हैं इट्स टू जीसस ये तो मसीह यीशु के सामने बहुती, बहुती कीमती ऐसे इत्र के जैसे होता है ऑन जीसस उसके आसपास के सभी लोगों ने कहा कि यीशु के ऊपर में इतना पैसा क्यों बर्बाद कर दिया But Jesus says, Don't her. लेकिन यीशु ने कहा इसे परेशान न करोट माई बॉडी एज आई एम गोइंग टू द क्रॉस जैसे मैं क्रूस पर जा रहा हूं इसने मेरे शरीर का अभिषेक किया है जीसस एस हर फॉर अ अस्टली ऑफरिंग

उसने कहा जाकर सभी को बताना कि शैतान के हाथों से तुम्हें छुटकारा देकर परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में कितना महान काम किया है जीसस एक्सपेक्ट्स अस टू टेल एवरीबॉडी अबाउट द लव अबाउट हिज लव फॉर अस यीशु हमसे अपेक्षा करता है कि हम उसके प्रेम के बारे में सभी को बताते चले जाए देम दैट जीसस लव्स देम जीसस इज रेडी टू वाइप अवे देयर टीयर्स यू आर ब्रिंगिंग होप इनटू द लाइव्स ऑफ दोस हु डू नॉट हैव होप और जब आप उन्हें बताते हैं कि यीशु ने आपके जीवन में कैसे महान काम किया है तो जिन लोगों के पास में कोई आशा नहीं होती है ऐसे लोगों के जीवन में आप आशा लेकर आती है दोपल रिसीव अलव इन दिस वर्ल्ड विथ हो और वो लोग इस जीवन में चमत्कार पाते हैं और इस संसार में बड़ी आशा के साथ में अपना जीवन जीते हैं That's why we have these और इसलिए हम ऐसी करते जाते to हैं। tell the world, कि पूरे संसार को and इन live। हाँ वो आशा पाते हैं और जीते। they come हैं। out of ऑफ sins। वो अपने पापों में और वो निश्चित परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं चमत्कार पाते हैं और बड़ी आशा के साथ में अपना ये जीवन जीते चली जाती हैं। That's why we have testimonies. और इसलिए हमारे पास में गवाही है। Not to glorify Paul, Dinakaran or anybody.

इसने बहुत ज्यादा प्रेम किया है एंड सो हर मेनी सिंस ऑफ अ गिव और इसीलिए इसके बहुत से पाप क्षमा कर दिए मेनी सिंस अ इसके पाप जो बहुत थे वो क्षमा कर दिए व्हेन यू रिपेंट ऑफ योर सिंस जब आप अपने पापों से पश्चाताप करते हैं एंड व्हेन यू आस्क गॉड टू फॉरगिव और जब आप प्रभु से कहते हैं कि वो आपको क्षमा करें एज दैट लेडी डिड पब्लिकली जैसे कि उस स्त्री ने सबके सामने किया था जीसस सेड टू हर इन वर्स 50 गो इन पीस वचन पचास में यीशु ने उससे कहा तू शांति से चले जा तेरे सारे पाप क्षमा हुए your faith has saved you. तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है गो इन इन पीस पीस शांति से जा गॉड वांट्स टू गिव योर फैमिली परमेश्वर आपके परिवार में शांति देना चाहता है व्हेन गॉड क्लींस द रिलेशनशिप इन योर होम जब परमेश्वर आपके घर के जो संबंध है उसे पूरी तरह से शुद्ध करता है एवरीथिंग इज पीस एवरीथिंग बिकम्स फुल ऑफ पीस तो सब कुछ शांति से परिपूर्ण होता है शांति से बाइबल प्रिंस ऑफ पीस बाइबल कहती है कि राजकुमारीस इंटर होम जैसे आप क्षमा पाते हैं निश्चित आता है वो आपके घर में अपनी शांति लेकर आता है एन वेन पीस ऑफ गॉड कम्स इंट यू और जब परमेश्वर की शांति आप में आती है गॉड्स फैमिली परमेश्वर की चंगाई आपके परिवार में आती If you है बाइबल 16, 16 you बाइबल इस तरह से कहती कि यदि तुम एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो तो तुम चंगे हो जाओगे। so tonight, नॉट ओनली यू आर गोइंग टू बी forgiven, और इसलिए आज शाम केवल आप क्षमा ही नहीं पाएंगे you should forgive. आपको दूसरों को क्षमा भी करना है यू शुड नॉट में आपको चोट पहुंचाई है उनके विरुद्ध में आपको क्षमाहीनता नहीं रखनी चाहिए माय डियर यंग चिल्ड्रन मेरे प्यारे जवान बच्चों, पेरेंट्स अगर आप अपने माता पिता के विरुद्ध में बलवा करने वाले रहे हैं तो निश्चित जाकर अपने माता पिता से क्षमा नॉट लव्ड योर वाइफ्स You have treated them like trash. Go and ask forgiveness from your wife. Jesus is watching that. ये and your wife, if you have wronged your husband, if you have broken the heart of your husband, ask your husband to forgive you. Ask उनसे क्षमा हस्बैंड टू फॉरगिव आप मांगे कि आपके पति आपको क्षमा करें आप कि मुझे माफ द राइट बिफोर योर चिल्ड्रन एंड यू रॉन्ग मॉडल आस्क योर चिल्ड्रन टू फॉरगिव यू अगर आपने अपने बच्चों के सामने सही व्यवहार नहीं किया आप एक गलत तरह के आदर्श बने रहे हैं तो निश्चित आप अपने बच्चों से क्षमा मांगे इफ हैव डन रॉन्ग थिंग्स इन योर ऑफिस

आप जो भी करेंगे परमेश्वर की शांति उसमें आएगी एंड गॉड विल ट्रांसफॉर्म यू और परमेश्वर आपको बदल देगा व्हेन आई वाज अवे फ्रॉम गॉड एट द एज ऑफ 18 जब 18 साल की उम्र में मैं परमेश्वर से दूर था यस आई हैड अ टेरिबल हेडेक मुझे बहुत भयानक सिर दर्द था एट दैट टाइम आई वाज एंग्री विद माय पेरेंट्स हु वर ऑल द टाइम सेइंग बी परफेक्ट बी राइट एंड दे वुड बीट मी टू बिकम राइट और उस समय मैं अपने माता पिता पर बहुत ही क्रोधित था क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि सिद्ध बनो पवित्र बनो और ऐसे करने के लिए वो तो सच में मुझे डांटते थे कई बार पीटते थे। But when I came to Jesus, लेकिन जब मैं यीशु के पास में I आया, asked for openly, मैंने खुले रूप में क्षमा मांगीबिट मैंने अपनी बुरी आदतें छोड़ दीन चीज और फिर यीशु के पास आया The first thing I said was, Daddy, सबसे पहले मैंने यही कहा डैडी मुझे यू लेबर सो हार्ड फॉर मी आपने मेरे लिए इतनी मेहनत की है, लेकिन मैंने आपको शर्मसार किया है। me, मुझे और मैंने अपने माँ के हाथ को मम्मी यू सेक्रीफाइस सो मच बीइंग इन पॉवर्टी टू ब्रिंग मी अप और मैंने कहा माँ आपने इस गरीबी में इतने सारे दुखों को झेला ताकि मेरे जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर सके मैंने आपका पैसा बर्बाद किया और आर्थिक रूप में मैंने आपको और भी ज्यादा संकट में डाल दिया है me, मम्मी मुझे माफ़ मैंने उनके हाथों को चूम लिया। के और परमेश्वर की आई गॉड हिल परमेश्वर ने मेरे सिर दर्द माय पेरेंट्स

Jesus started coming with me everywhere. Made me a blessing to others. Today, God has kept me in perfect peace. And है. I have the love of millions of people. My friend, forgive. Forgive. Pray. Jesus, give me a heart to forgive. यीशु मुझे दिल दे कि मैं क्षमा कर सकूं। People in my family have wronged me. मेरे परिवार के लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया। Give me the heart to forgive. मुझे क्षमा करने वाला दिल दे। Even harboring a hurt against somebody is sin. और यहाँ तक कि किसी के बारे में किसी के विरुद्ध में कुछ चोट बनाए रखना ये पाप है। Who are we to hate somebody and hurt somebody? हम कौन हैं कि किसी से नफरत करें और किसी को चोट पहुंचा सकें? Nobody is righteous.

And ask for, ask for forgiveness. Ask for forgiveness. Then God's healing will come upon you tonight. You will बनाएगे. be healed. Jesus will heal you. That's देगा. why Jesus cried on the cross in Luke 23 34. Father, forgive them. Forgive them. Forgive them. For they know not what they do. क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर They रहे हैं। इन्होंने मुझे क्रूज पर जड़ दिया मैंने शमा करता। them, तू भी ने शमा कर king king. और उसके पास में इतनी सामर्थ्य थी कि वो मुर्दों में से बाहर आए और वो राजाओं के राजा के रूप में जीवित हो उठा उसके पास में ये सामर्थ्य थी डिफीटेड और इसीलिए उसने मृत्यु को हरा दिया नो टू डेथ और कोई भी जख्म उससे वहां पर मार नहीं सके उसे खत्म नहीं कर आस्किंग फॉर दो जैसे कि वो क्रूस के ऊपर लटका था उसके सारे जो जख्म थे वो तो पूरी तरह से चंगे हुए क्योंकि इसने उसे क्रूस पर चढ़ाने वाले लोगों के लिए क्षमा मांगी। और वो फिर से जीवित हो यू विल राइज साहब आप फिर से जी उठो यू विल राइज साहब आप उठ खड़े ये बल राय साहब आप उठ खड़े बल राय साहब आप उठ खड़े राइज अप इन योर स्टडीज आप अपनी पढ़ाई में ऊंचाइयों पर आप अपने परिवार के जीवन में आप अपनी नौकरी में ऊंचाइयों पर आप समाज में ऊंचे पद पर आप देश में ऊंचाइयों पर for जैसे आप दूसरों से क्षमा मांगते हैं यीशु से क्षमा मांगते हैं जैसे आप दूसरों को क्षमा करते हैं परमेश्वर आपको शांति देगा आपको जहां भी बीमारी है उस जगह पर आप अपना हाथ रखिए आई वो राइट यू मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ इसी समय यीशु अनुग्रह करे और आपको स्पर्श करे द ग्लोरी ऑफ गॉड इज हियर राइट नाउ इस समय परमेश्वर की महिमा यहाँ पर है रिमेंबर जीजस क्राइस्ट हील आप याद रखिए रखिये मसीन अपने शरीर पर इतने जख्म उठाए कि आप चंगे हो जाएं। जाएंगे विश्वास कीजिए कि उसका हाथ अभी आपके ऊपर में आ रहा है इस हैंड इज हीलिंग योर पेन उसका हाथ आपके सारे दर्द को चंगाई दे रहा है स्पेशली द हेडेक्स खास करके सिर दर्द को चंगाई दे रहा है होली स्पिरिट इज हीलिंग यू राइट नाउ पवित्र आत्मा भी इसी समय आपको चंगाई दे रहा है इट्स क्रेजी बस उसकी स्तुति करते जाओ उसकी स्तुति करते जाओ ओपन योर हार्ट एंड प्रेज अपना दिल खोले और उसकी स्तुति करते जाओ थैंक यू जीसस फॉर हीलिंग कहे धन्यवाद यीशु चंगाई थैंक यू जीसस फॉर हीलिंग मी कहे धन्यवाद यीशु मुझे चंगाई देने के Thank लिए थैंक यू जीसस धन्यवाद यीशु ऊपनिमा अपने मुंह को खोल ओपन यहा अपना दिल खोले ग्लोरी ऑफ गॉड इज कमिंग राइट नाउ परमेश्वर की महिमा अभी समय आ रही है आई सी द लाइट ऑफ गॉड फ्लॉलिंग अपॉन एवरीबॉडी मैं देखता हूं कि परमेश्वर की, पर की ज्योति अभी हर एक पर उतर आ रही है गाड डिवाइन हीलिंग लाइट इज कमिंग अपॉन एवरीबॉडी परमेश्वर के अलौकिक चंगाई की, की, चंग की ज्योति हर एक पर अभी उतर आ रही है ही 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 चंगे चंगे हो हो चंगे हो हु एवरी ब्रेन व्हिच इज नॉट Functioning properly, every depression I command it to be healed in Jesus' name. Every organ that is not functioning because the brain is not working properly, I command it to be healed right now in Jesus' name. दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा है इसलिए शरीर के कुछ अंग जो अपाहिज हो चुके हैं मैं आज्ञा देता हूं कि अभी इसी समय सामान्य रूप में काम करने लग जाए के नाम में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा इनके शरीर के अंगों में अभी फॉरगिवनेस और जैसे ये क्षमा के लिए तुझे पुकार रहे हैं जैसे अभी ये दूसरों को क्षमा कर रहे, saying, रहे हैं। Lord, help me to forgive. कह रहे हैं, प्रभु तू मेरी मदद करके मैं क्षमा करूँ crying, Lord, forgive me. और जैसे तुझे पुकार रहे हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कर As they are saying in their hearts, I will ask forgiveness from so and so, so and so, so and so. और जैसे अपने दिल में कह रहे हैं कि मैं इस व्यक्ति से जाकर क्षमा मांगूंगा इस तरह से ये कह रहे हैं लेट योर फीस फ्लो इन टू बॉडी प्रभु तेरी शांति इनके शरीर में बहने पाए लॉर्ड जीसस लेट योर पीस फ्लो इनटू देयर माइंड्स प्रभु यीशु तेरी शांति इनके मन में बहने पाए इनटू देयर ब्रेन इनके शरीर में इनके दिमाग में ही ऑर्गन एंड हील दम लॉ इनके शरीर के अंगों में बहे और तू चंगाई दे healed. हर एक पैरालिसिस चंगा हो जाए यू फेरालिस लीव द पीपल इन जीज नेम लकवा लोगों के शरीर के अंगों को अभी समय छोड़कर चला जाए यू आर द राइटिस कम आउट इन जीसस नेम अर्थराइटिस यीशु के नाम में बाहर आ जाए योर डिफॉर्मिटीज बी हील्ड इन जीसस नेम अयोग्यताएं जो है यीशु मसीह के नाम में समय चंगी हो जाए राइज़ द मा हे पिता इन्हें तो ऊंचा उठा रईज ऑर्गन इनके शरीर के अंगों को फिर से नया बना And he, और इन्हें चंगाई in दे जीसस ने

हार्ट एंड से थैंक यू जीसस क्या आप अपना दिल खोल कर कहेंगे धन्यवाद एवरीबॉडी से थैंक यू जीसस फॉर हीलिंग मी सभी लोग कहें धन्यवाद यीशु मुझे चंगाई देने के लिए yes, praise the Lord. प्रभु की स्तूति योर हैंड अपने हाथ उठाइए. से थैंक यू लॉर्ड और कहें धन्यवाद यहाँ जीसस इज बाय योर साइड यीशु आपकी बगल Come में है Tell him, Thank you, Lord. Thank you for healing me. We give you all the glory. We थे give थे. you all the glory. Even थे. now, थे. The God's healing power is flowing into every organ. की की every relationship है. in your family is being healed. God is giving you the strength in your heart to go and ask for forgiveness to be healed. परमेश्वर आपके दिल में ये बल दे रहा है कि आप जाकर लोगों से क्षमा मांगे कि आप चंगे हो जाएं। yes, you say, I want Jesus and Jesus and Jesus, so I will become humble before everybody and ask for forgiveness. आप ये कह रहे हैं कि मुझे केवल यीशु और यीशु ही चाहिए इसलिए मैं खुद को नम्र करूंगा सभी लोगों के सामने और निश्चय मैं उनसे क्षमा मांग लूंगा Then you will be healed tonight. तो निश्चय आज रात आप चंगाई पाएंगे आइए अपने हाथों को उठाए हाला थैंक्स टू परमेश्वर को धन्यवाद करने के रूप में जोर से हाल कहेंगे